अंतर्गत दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप से तीन अज्ञात आरोपियों द्वारा 2,30,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी अपने साथीदार के साथ पेट्रोल भरने का काम करने के पश्चात पेट्रोल पंप बंद कर दिया और पेट्रोल पंप के कैबिन में पैसों का हिसाब करते हुए बैठे। पैसे गिनने के बाद 2,30,000 रुपए उन्होंने ड्रॉर में रख दिए। हालांकि थोड़ी देर पश्चात तीन अज्ञात व्यक्ति कैबिन का दरवाजा तोड़ अंदर आए। उनमें से दो के हाथ में घातक शस्त्र थे। उन्होंने फिरियादी व उसके साथीदार के साथ मारपीट कर उनसे 2,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले की शिकायत फिरियादी सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप सागर ने अधिक जानकारी साझा की। आज रात्रि 12:15 ते 5:30 दरम्यान युवल नगर पेट्रोल पंप या ठिकाणी अज्ञात तीन इसम येऊन तेथील पंपावर असणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांना दाब दाखवून त्यांच्याकडून 2,30,000 कॅश त्यांना धक्काबुक्की मारहाण करून नेलेला अशा फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यानुषंगाने सस्पेक्टेड आहे, त्यानुषंगाने त्याचा तपास सुरू आहे, आमच्या टीम मार्फत तपास सुरू आहे। CCTV फुटेज आणि त्यानुषंगांचे पडताळणी करणे चालू आहे हद्दीमध्ये आणि त्या ठिकाणी त्या आरोपीचे लोकेशन आलेले आहे, त्यानुषंगाने सुद्धा तपास सुरू आहे। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। हालांकि दिन दहाड़े हुए इस लूट की घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।